थिएटर के पेज पर हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। बिहार के लोक नाट्य के ऊपर, बिहार के फोक थिएटर के ऊपर, जिसे लौंडा नाच कहा जाता है। उम्मीद है इस कोरोना के समय में आप सब लोग घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आगे भी आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करता हूँ। तो आज के इस जो लौंडा नाच का ये जो सत्र है, ये जो लौंडा नाच के ऊपर एक व्याख्यान है, लेक्चर है, एक बातचीत है, उसमें सबसे पहले तो मैं अपने खुद के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरी पहचान क्या है। उसके बाद मैं लौंडा नाच के बारे में बताऊंगा कि लौंडा नाच होता क्या है, लौंडा नाच कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। उसके बाद हम एकेडमिक्स में, अकादमिक जगत में लौंडा नाच के ऊपर क्या क्या लिखा गया है, पढ़ा गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लौंडा नाच के कौन बड़े कलाकार रहे हैं बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर बात करेंगे। और तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि मैं कौन हूँ और मैं लौंडा नाच के ऊपर बात करने के लिए मेरी क्या ऑथोरिटी है। तो मेरा नाम जैनेन्द्र दोस्त है और मैं बिहार के छपरा ज़िले के एक गांव से हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई थिएटर में हुई है। मैंने थिएटर प्रैक्टिस दिल्ली में किया, उसके बाद मुझे लगा कि थिएटर को स्टडी करना चाहिए प्रॉपर। तो मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में ड्रामेटिक्स एंड फिल्म स्टडीज़ की डिग्री हासिल की। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली चला गया, वहाँ जाकर मैंने लौंडा नाच के ऊपर अपना एमफिल और पीएचडी दोनों ही किया। तो मैंने पीएचडी अपनी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से पिछले साल ही जमा की, पिछले साल ही कंप्लीट किया उसको। और मैं अभी लेक्चरर हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, बोधगया में, बिहार में। पीएचडी के दौरान मैंने सबसे पहले तो ये किया कि इस फॉर्म के जो भी प्रैक्टिशनर थे, कलाकार थे, उनको खोजना शुरू किया। और मुझे भिखारी ठाकुर के साथ काम किए हुए कुछ लोग मिले, उनके साथ काम किए हुए, विदेशिया में काम किए हुए ऐसे कलाकार मिले जो लंबे समय तक भिखारी ठाकुर के साथ जुड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं। तो मैंने उन कलाकारों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया, एक थिएटर ग्रुप बनाया जिसका नाम है भिखारी ठाकुर रंगमंडल प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र। तो भिखारी ठाकुर रंगमंडल न सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए काम करती है, थिएटर प्रोड्यूस करती है, नाटक प्रोड्यूस करती है, गीत संगीत नृत्य प्रोड्यूस करती है, बल्कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को ट्रेनिंग भी देते हैं नाटकों की, गीत संगीत की। और उसके बाद हम रिसर्च का काम भी करते हैं, शोध का काम, लोक कलाओं पे लिखने पढ़ने का काम, और लोक कलाओं के ऊपर, भिखारी ठाकुर के ऊपर, लौंडा नाच के ऊपर, और बिहार के जितने भी आर्ट फॉर्म हो उसमें से कई सारे आर्ट फॉर्म पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और अकादमिक जगत में उन काम को रिसर्च के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक हमारे रेपेट्री का एक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का एक छोटा सा एक काम है, इनिशिएटिव है। इस बीच मैंने भिखारी ठाकुर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया जिसका नाम है नाच भिखारी नाच। दूरदर्शन और पीएसबीटी के स्पॉन्सरशिप से हमने ये फिल्म बनाया और इस फिल्म को काफ़ी जगहों पे देखा और सराहा गया, जिसमें भिखारी ठाकुर के लोग अपने गीत संगीत नृत्य से भिखारी ठाकुर को याद करते हैं, विदेशिया को याद करते हैं, और उस समय कैसे भी देशिया खेला जाता था वो उस फिल्म में आप देख सकते हैं, उनके गाने, उनके धुन, इन सबको सुन समझ सकते हैं नाच भिखारी नाच फिल्म के माध्यम से। हाल ही में मेरा एक नाटक भिखारीनामा, जो भिखारी था उनके जीवन के ऊपर है, उनके रंगमंच के ऊपर है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव में पिछले इसी फरवरी को हुआ था और काफ़ी चर्चित रहा, काफ़ी अच्छा मुझे फीडबैक मिला उस नाटक के लिए। और फरवरी में ही हम मुंबई में भी मुंबई यूनिवर्सिटी के बसंत नाट्य उत्सव में बेटी बेचवा नाटक करने गए थे। तो कुल मिलाकर मैं न सिर्फ पीएचडी और पढ़ाने का काम करता हूँ बल्कि लौंडा नाच विधा के प्रैक्टिस को
रिवाइव कर रहा हूँ अपने थिएटर के माध्यम से, और लौंडा नाच के कई सारे आयामों को सीख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और एक 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 प्रोसेस उसको जानने समझने का चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि लौंडा नाच है क्या। जैसा कि नाम से ही इसको समझने की कोशिश की जा सकती है कि दो शब्द हैं इसमें, लौंडा और नाच। नाच को आमतौर पे दिमाग में हमारे या हमारे सामने शब्द आते ही हम उसको ट्रांसलेट करते हैं डांस के रूप में, या एक दिमाग में चलता है कि नाच मतलब नृत्य और डांस, और लौंडा का मतलब आमतौर पे तो ये समाज में एक गाली के तौर तरह यूज किया जाता है, एक स्टिग्मा, एक वर्ड है, ये स्टिग्माटाइज वर्ड है। लेकिन इस फॉर्म के साथ जुड़ा उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी हम फॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं कि नाच को आमतौर पे हम ट्रांसलेट करते हैं या उसको उसकी मीनिंग को समझते हैं डांस के रूप में, ये डांस है। और इसी मीनिंग के साथ हम अकादमिक जगत में और बहुत सारे जगहों पे इसको समझने समझाने की कोशिश करते हैं, नृत्य के रूप में इसको रिसीव करते हैं। लेकिन ये एक 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 भ्रांति है, एक मिसकंसेप्शन है, एक नासमझी है, और कई सारे स्कॉलर लोगों ने बिना समझे भी इसको नृत्य की एक विधा, डांस का एक फॉर्म, एक फोक डांस का फॉर्म मान लिया और लिखा भी, लेकिन ऐसा नहीं है। लौंडा नाच फुल फ्लेज एक फोक थिएटर का फॉर्म है जिसमें गीत संगीत नृत्य नाटक कॉमिक कलाबाजी इन सब को सम्मिलित रूप में एक सीक्वेंस में पूरे रात परफॉर्म किया जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा या आगे भी इस लेक्चर को सुनेंगे कि लौंडा नाच कोई डांस की विधा नहीं है, एक एक थिएटर फॉर्म है, फोक थिएटर का फॉर्म है जिसमें नाटक होता है, जिसमें अभिनय होता है, जिसमें गीत संगीत होते हैं, जिसमें नृत्य होता है, जिसमें कॉमिक सीन होता है, और ये रात भर चलता है। मतलब रात के 8 बजे से शुरू होकर सुबह के 5 बजे भोर तक ये परफॉर्मेंस चलता है। तो ये एक जानकारी की बात है। दूसरा है कि कई बार हम लोग अब लौंडा के ऊपर बात करते हैं। लौंडा को आमतौर पे हम समझते हैं कि एक पुरुष आदमी, एक मर्द आदमी जो औरत बनता है, औरत बन के परफॉर्म करता है, उसको लौंडा समाज में बोलते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो कास्ट और क्लास का एक एक संदर्भ आता है परफॉर्मेंस में, उससे जुड़ा हुआ है। इतिहास में इस विधा को लौंडा नाच नहीं बोला जाता था। लौंडा नाच बहुत बाद का ये शब्द है, लौंडा शब्द इस नाच विधा के साथ चस्पा किया गया है। पहले हम 13वीं 14वीं शताब्दी के पुराने टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमें नाच शब्द का ही रेफरेंस मिलता है, और आज़ादी के समय भी नाच का ही शब्द मिलता है। और इस विधा के बड़े कलाकार थे भिखारी ठाकुर या रसूल मियाँ या लखदेव राम, ये जितने भी कलाकार हैं इन्होंने अपने विधा को नाच ही कहा है अपनी बायोग्राफी में, अपने गानों में। लेकिन समाज के कुछ लोग जो इससे नफरत करते हैं, इस एक एक खास वर्ग इस विधा को पसंद नहीं करता, कई बार इसको अश्लीलता के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, कई बार इसके जो फ्यूडलिज्म या जो इस तरीके की विरोधी चीज़ें हैं उसको दबाने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए लौंडा शब्द को इससे जोड़ने की कोशिश होती है, जोड़ा भी गया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ कि नाच की विधा बहुत पुरानी है और ये इसके साथ लौंडा शब्द बहुत बाद में जुड़ा है, और ये शब्द जुड़ने से लौंडा नाच कहा जाने लगा। लेकिन लौंडा सम्मानजनक शब्द नहीं है, और लौंडा को आमतौर पे पुरुष नर्तक या पुरुष जो स्त्री वेश धारण करके परफॉर्म करते हैं उनके रूप में देखा जाता है। और इससे एक और जो कन्फ्यूज़न इस फॉर्म के साथ हुआ है वो ये कि लौंडा नाच में जहाँ जहाँ या किसी भी परफॉर्मेंस में जहाँ जहाँ मर्द औरत बनता है बिहार के अंदर, उसको भी लौंडा नाच बोलने की कोशिश होती है, कहा जाता है। जैसे बैंड बाजा में, जो शादी बारात में बैंड बाजा परफॉर्म करते हैं, जो
जो लोग बाराती के साथ जुलूस में परिछावन जिसको बोलते हैं उसमें निकलते हैं, या लड़की के यहाँ दरवाज़ा लगाने के समय में बैंड में जो एक लौंडा डांस करता है उसको भी लोग लौंडा नाच बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ भी लौंडा है और नृत्य कर रहा है। लेकिन बैंड के लौंडा नाच, लौंडा का डांस है जो परफॉर्मेंस है, और लौंडा नाच के परफॉर्मेंस में, ये दोनों में फ़र्क है। एक को हम बैंड पार्टी बोलते हैं और एक को नाच पार्टी बोलते हैं। एक को हम लौंडा डांस बोलते हैं और एक को लौंडा नाच बोलते हैं। नाच का को हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, वैसे ही जैसे जात्रा, नौटंकी, स्वांग, तमाशा का ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है, वैसे ही नाच को ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाच को हम नाच ही बोले, और नाचा की तरह जैसे नाचा है, स्वांग है, तमाशा है, नौटंकी है, जात्रा है, अंकिया है, उसी तरह इसको भी एक फोक थिएटर फॉर्म की तरह देखना होगा और इसको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बैंड पार्टी के डांसर को भी, जो लड़का साड़ी पहन के औरत बन के नृत्य करता है, उसको भी लोग लौंडा नाच बोलते हैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन फैलता है इससे। फिर हम बोलेंगे कि अरे लौंडा नाच में जैनेन्द्र तो बता रहे थे कि नाटक होता है, गीत संगीत नृत्य होता है, अभिनय कलाबाजी होता है, लेकिन हम तो अपने फलाने बाबू के यहाँ शादी में गए थे और बैंड बैंड में लौंडा नाच देखा हमने, लौंडा डांस देखा हमने, और उसमें ऐसी कोई तो बात नहीं थी, उसमें तो कोई नाटक नहीं खेला गया, उसमें तो बैंड के साथ ट्रम्पैड और बैंड पूरा सबके साथ एक बीच में लौंडा डांस कर रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फर्क को हमें समझना होगा कि बैंड पार्टी के अंदर लौंडा का डांस और नाच पार्टी के अंदर लौंडा नाच, ये दोनों में फ़र्क है। और भारतीय अकादमिक जगत में या आम जो हम लोग कला और संस्कृति से में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं समझते हैं, वो लोग भी इस डिवीज़न को नहीं समझते हैं, और एक कन्फ्यूज़न फैलाने की कोशिश कई बार देखी गई है। तो मैं ये कन्फ्यूजन को अपने इस बातचीत के माध्यम से रखने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो लौंडा नाच के बारे में जो अभी हम चर्चा की, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि लौंडा नाच ने अक्सर ये इसका आयोजन शादी विवाह, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, त्यौहार में जैसे दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, सरस्वती पूजा, इन आयोजनों के अलावा राजनीतिक रैलियों, राजनीतिक मंचों या इत्यादि जगहों पे इसका आयोजन सालों भर होता है। और सबसे भीड़ का सीज़न, पिक टाइम जिसको बोलते हैं, वो शादी विवाह का रहता है, जो फरवरी मार्च से लेके जून जुलाई तक खूब चलता है। इसके दो पक्ष हैं, एक तो इसका कंटेंट है, विषय वस्तु नाटक गीत के विषय वस्तु, दूसरा है कि ये परफॉर्मेंस कैसे होता है। तो इन दोनों पे हम दो लाइन बना के चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये इसका प्रोसेस क्या है, परफॉर्मेंस प्रोसेस। एक टीम में लगभग साजिंदा, हारमोनियम, ढोलक, झाल, सारंगी, ये चार पांच छह लोग होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो औरतों का रोल करते हैं, और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं कि जो पुरुष का रोल करते हैं, मर्द का रोल करते हैं, और कुल मिलाकर इसमें 15-16 लोग होते हैं और एक टीम लीडर होते हैं। टीम लीडर अक्सर नाच विधा के रिटायर कलाकार, बुजुर्ग कलाकार, सीनियर कलाकार, अक्सर वो अपना नाच पार्टी खोलते हैं, नाच पार्टी बनाते हैं, चलाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली होगी कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो औरत का रोल करते हैं लौंडा बनकर, औरत बनकर, वो सिर्फ औरत का ही रोल करेंगे। कई लोग एक ही रात के परफॉर्मेंस में कई बार औरत और कई बार पुरुष मर्द बन के परफॉर्मेंस करते हैं। कई बार वो साजबाज भी बजाते हैं, हारमोनियम ढोलक भी बजाते हैं। मतलब जो आदमी इसमें, इस फॉर्म में, इस विधा में, जैसी जिसने ट्रेनिंग ली, जैसा जिसने खुद को एक्सप्लोर किया इस आर्ट विधा के साथ, इस आर्ट फॉर्म के साथ, वो उस तरीके से अपनी उपयोगिता इस टीम में बनाता है। शुरू में लोग गीत संगीत नृत्य से शुरू करते हैं, इस विधा का परफॉर्मेंस शुरू होता है। सबसे पहले हम इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देते हैं जिसको लहरा कहते हैं, लहरा बजाया जाता है। लहरा के बाद गाने शुरू होते हैं, प्रार्थना शुरू होता है, उसके बाद
कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज पे गाने होते हैं जिसमें पूर्वी गाने का की धुन जो है उसकी काफ़ी प्रचुरता होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पूर्वी होता है, पूर्वी, निर्गुण, सुरथी, जतसारी, अनेक विधाएं, अनेक जो गाने की शैलियां हैं, विधाएं हैं, उस सबको नाच अपने में समाहित किया होता है। और लगभग ये जो गीत और नृत्य का जो सेशन है वो लगभग 8 बजे से 11 बजे, 10, 11, 12 बजे तक चलता है, जैसे जिस टाइम स्टार्ट हुआ उसमें 2-3 घंटे तक चलता है। उसके बाद अनाउंस होता है कि अब हम लोग नाटक खेलेंगे। तो अब तक जो लोग औरत बन के या पुरुष के रोल में नृत्य और गाने प्रस्तुत कर रहे हैं, यही लोग नाटक में, नाटकीय चरित्र में रूपांतरित होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। और ये लोग, यही कलाकार, जैसे मान लीजिए कि सती बिहुला का नाटक खेला जा रहा है, तो इसी नर्तक की टीम से, इसी टीम के जो लौंडा कलाकार हैं जो औरत बन रहे हैं, उसी में से कोई एक सती बिहुला का कैरेक्टर कर रहा है, कोई एक सती बिहुला की माँ का कैरेक्टर कर रहा है, कोई धोबिन का कैरेक्टर कर रहा है, कोई मलाह की औरत का कैरेक्टर कर रहा है। और उसी पुरुष जो लोग अब तक डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे, जो प्रार्थना गा रहे थे, उसमें से ही कुछ लोग सती बिहुला का जो बाला लखंदर जो पति है उसका रोल कर रहे हैं, या सती बिहुला के ससुर का या सती बिहुला के बाप का रोल कर रहे हैं। मतलब दो फेज में ये आमतौर पे देखा जाता है कि दो फेज में आर्टिस्ट तैयारी करते हैं अपनी, एक तो जनरल जो गीत संगीत नृत्य प्रस्तुत करना उसके लिए, दूसरा नाटकीय पात्र के लिए। इसमें सबसे खास बात ये है कि कॉमिक सीन के लिए जोकर का इस्तेमाल इसमें खूब होता है, सोशल सटायर के लिए, कई बार थोड़ा सेंसुअल भद्दे मजाक भी वो करता है। और शाम, मतलब रात के शुरू होने से सुबह तक वो अपनी उपयोगिता, जोकर अपनी उपयोगिता, जिसको लबार कहते हैं, इस फॉर्म के अंदर बनाए रखता है, लोगों को मनोरंजित करता है, सामाजिक कई बार कुछ विसंगतियों पे वो व्यंग भी करता है। और नाटक में भी वो अपने जो उसका व्यक्तित्व है, हंसाने का, मजाक करने का, वैसा एक कोई चरित्र वो करता है, जिसमें अक्सर राजा का नौकर बनने का काम या हीरो का दोस्त बनने का काम, इस तरीके का अभिनय जोकर करता है। तो देखिए, एक तो लौंडा कैरेक्टर है जो औरत बन के पुरुष नृत्य कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उनका एक डिवीजन कैरेक्टर के लेवल पे, रोल के लेवल पे कर सकते हैं। एक वैसे लोग जो साजिंदा हैं, साजबाज बजाते हैं, उनका एक डिवीजन है। एक वैसे लोग जो ज़्यादातर पुरुष का रोल करते हैं वैसे लोग, और एक जोकर, एक लवार की कैटेगरी, जो पूरी रात अपने कला से लोगों को मनोरंजित करता है। तो इस तरीके से देखें तो एक नाटक की विधा में, एक रात भर के परफॉर्मेंस में, अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग चरित्र निर्धारित रहती है। अब हम बात करते हैं कि विषय वस्तु के रूप में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लौंडा नाच में समाहित है। तो सबसे पहले तो लौंडा नाच में ज़्यादातर लोक कथाओं का मंचन इतिहास में किया जाता रहा है, जिसमें मैं कुछ लोक कथाओं का नाम लूँगा, जिसमें सती बिहुला का नाम जैसे मैंने अभी लिया, कौवा हंकनी का नाम लिया, कौवा हंकनी का नाटक खेला जाता है, रेशमा चुहरमल का नाटक खेला जाता है, दीना भद्री का नाटक खेला जाता है, ऐसे कई एक नाटक जो सामाजिक लोक कथाएं हैं हमारी, उनको नाटकीय रूपांतरण कर नाच में परफॉर्म किया जाता है। और ये पूरा म्यूजिकल थिएटर होता है, गाने में सवाल जवाब, गायकी की प्रचुरता, दोहा चौबोला, इस तरीके का गाना इसमें खूब होता है और कहानी को मंचित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली नाच में लोक कथाएं ही हैं, कुछ कलाकारों का मैं जिक्र करूंगा जिन्होंने नाच में नए नाटक, नए इशू पे लिखे भी, जिसमें सबसे पहले तो एक बड़ा नाम है हम सबके लिए, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर ने लोक कथाओं का जो एक लीक था, एक जो लाइन था, उससे अलग हटकर समाज में जो उस समय सोशल इश्यूज थे, जो सोशल प्रॉब्लम था, उस पर उन्होंने नाटक लिखे। और भिखारी ठाकुर ने लौंडा नाच की इसी विधा को अपनाकर, इसी विधा के वो कलाकार थे, और इन्होंने, भिखारी ठाकुर ने विदेशिया,
बेटी बेचवा, पिया निसहिल, गंगा स्नान, विधवा विलाप, इस तरीके के दर्जन भर से ज़्यादा नाटक और सैकड़ों गीत इस विधा के लिए लिखे। और हम सभी जानते हैं कि उनका विदेशिया नाटक कितना प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं कि बेटी बेचवा नाटक की कितनी उपयोगिता आज भी समाज में है, हम सभी जानते हैं कि पिया निसहिल जो नशे के लत के ऊपर है वो कितना ज़रूरी है समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं भिखारी ठाकुर ने लीक से हटके जो लोक कथाओं का मंचन होते आ रहा था लौंडा नाच में, उससे अलग लिखा और उनका काफ़ी नाम और शोहरत हुआ उससे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भिखारी ठाकुर ने ही शुरुआत किया इसकी नया नाटक लिखने की, उनके पहले भी बहुत सारे लोग नाच विधा से जुड़े कलाकार ने प्रयास किया कि कंटेम्प्रेरी इशू पे लिखा जाए। उसमें एक नाम रसूल मियाँ का आता है, रसूल मियाँ भी बिहार के ही थे, गोपालगंज जिले के, और उन्होंने भी अपने जो नाच का प्रदर्शन था, जो नाच का परफॉर्मेंस था, उसमें जो नाटक करते थे उसमें भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे नाटक, बड़े नाटक और गीत संगीत लिखते थे। जो जैसे आज़ादी के ऊपर उन्होंने नाटक लिखा, गांधी के आंदोलन के ऊपर लिखा, और भाई भाई के झगड़े के ऊपर उन्होंने नाटक लिखा, अंधे की कहानी के ऊपर नाटक लिखा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भिखारी ठाकुर से थोड़ा पहले ही ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, लिखा है। और एक और नाम है, काफ़ी बाद का है, आज़ादी के बाद का उनका ग्रुप था, लेकिन उन्होंने भी, लखदेव राम है जो छपरा ज़िले के ही हैं, वो उन्होंने भी अपना नाटक घुरवा चमार लिखा, जो कास्ट इशू पे है, जो समाज में जाति उत्पीड़न है, जो जात पात की व्यवस्था है, उस पर व्यंगात्मक एक नाटक लिखा घुरवा चमार नाम का। तो कुल मिलाकर यह है कि लौंडा नाच का जो एक विषय वस्तु, नाटकों के विषय वस्तु की बात करें तो उसमें काफ़ी विस्तार है, उसमें लोक कथाओं से लेके सामाजिक समस्याओं, कुरीतियों सब पे है। लौंडा नाच के गानों में ये विषयों का विस्तार है, सामाजिक विषयों पे बहुत सारे नाटक और गीत लिखे जाते हैं, और उसमें चाइल्ड मैरिज, वीडो का जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वीडो जो फीमेल होती है उनकी क्या समस्या है उसके ऊपर है, एडिक्शन नशे के ऊपर है, माइग्रेशन के ऊपर है, और रिलीजियस जो इंटरप्रिटेशन है सोसाइटी का उसके ऊपर है, गंगा स्नान, गंगा को हम माँ माने, क्यों माने, क्या कारण है, वो हमें क्या देती है, हमें किस तरीके से पालते हैं, भिखारी ठाकुर का बेहतरीन एक नाटक है। उसके बाद भाई भाई के झगड़े के ऊपर उन्होंने एक भाई विरोध नाटक लिखा है। तो इस तरीके से देखा जाए कि लौंडा नाच की का जो विषय वस्तु है उसका 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 फलक काफ़ी व्यापक है, विस्तृत है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ भिखारी ठाकुर बल्कि रसूल मियाँ, लखदेव राम जैसे कलाकारों ने लौंडा नाच विधा के लिए काफ़ी सारे नए नाटक दिए हैं, काफ़ी सारे नए परफॉर्मेंस दिए हैं इस विधा को, और इस विधा को आगे बढ़ाए। अभी भिखारी ठाकुर के टीम के जो उनके साथ काम करते थे और आज हमारे रंगमंडल में काम करते हैं, उनमें सबसे बुजुर्ग कलाकार हैं रामचंद्र मांझी, और उनको 2017 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो रामचंद्र मांझी औरत बनते हैं, मतलब वो एक लौंडा है, इस विधा के लौंडा कलाकार हैं, जो लगभग 70 साल तक उनका अनुभव है इस विधा के लिए औरत बनकर चरित्र करने का, पात्र करने का। और वैसे ऐसे कई कलाकार हैं जो बुजुर्ग अवस्था में अभी भी, लखीचंद मांझी हैं, औरत बनकर इस विधा के लिए काम करते हैं, शिवलाल बारी हैं जो पुरुष का रोल करते हैं, लेकिन उनका भी कई बार कहना है कि जवानी के दिनों में मैं भी औरत बना। तो कुल मिलाकर ये एक लौंडा नाच के ऊपर बातचीत है। और तो हाँ, विदेशिया इस लौंडा नाच विधा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, और आज भी विधा में इस नाटक को खेला जाता है। लगभग 5 घंटे की, 4.5 घंटे की प्रस्तुति होती है, और उसके पहले गीत संगीत नृत्य तो चलता ही है। विदेशिया खाली नाटक 4 से 5 घंटे के बीच परफॉर्म किया जाता है।
और शहर के दर्शक भी इसको देखते हैं, शहर के निर्देशक भी इस नाटक को करते हैं, एडिट करके 2 घंटे 1.5 घंटे में इसको परफॉर्म करते हैं। तो एक शहर का वर्जन है, शहर के लोगों के लिए है, लेकिन लौंडा नाच विधा में आज भी वैसे ही भिखारी ठाकुर की तरह विदेशिया नाटक को परफॉर्म किया जाता है। ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो बिना म्यूजिक और सिंगर के परफॉर्म, सिंगर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये जो लौंडा नाच की ट्रेनिंग है, ये इस विधा की जो मांग है अभिनेता कैसा होना चाहिए, उसको नृत्य और गीत, गीत संगीत का बेसिक जानकारी होना चाहिए, वहाँ से इसकी ट्रेनिंग होती है। और जब हम परफॉर्मेंस करने के लायक बनते हैं उसमें हम इस नृत्य संगीत में गीत में महारत हासिल कर लेते हैं, गायकी में महारत हासिल कर लेते हैं, अलग अलग लोक धुनों को गाना शुरू कर देते हैं, तब जाके हम एक अच्छा परफॉर्मर लौंडा नाच विधा में बनते हैं। तो उनको सिंगर ना बोल के हम एक अभिनेता ही बोलेंगे, और अभिनेता भारतीय इतिहास में, भारतीय जो रंगमंच है, नाट्यशास्त्र है, या भारतीय रंगमंच का इतिहास, उसमें देखेंगे तो अभिनेता ऐसा ही होता था जिसको म्यूजिक और गाने का अच्छा प्रयास हो, अच्छा जानकार हो, अच्छा गाता हो। ये बाद के समय में NSD वगैरह या ऐसे संस्थानों में जो ट्रेनिंग हुई वहाँ पे ये जरूरी नहीं समझा गया, लेकिन अभी भी फोक थिएटर में ऐसा माना जाता है कि अभिनेता को गीत संगीत नृत्य आना चाहिए। तो लौंडा नाच में भी बिना म्यूजिक और संगीत के नाटक नहीं खेला जा सकता है, और उसके लिए एक हरफनमौला आर्टिस्ट की ज़रूरत है। लौंडा नाच विधा में बहुत इतिहास में जाए और पुराने समय की बात करें तो ढोलक तबला सारंगी हुआ करता था, और एक गोपी जंतर फोक इंस्ट्रूमेंट है। बाद में इसमें हारमोनियम इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ टीम नगाड़ा जिसको बोलते हैं वो भी यूज किया। तो धीरे धीरे इसमें अभी की स्थिति है कि इसमें सारंगी इसमें अभी नहीं है, सारंगी बजाने वाली जो पीढ़ी थी वो इस काम को छोड़ चुकी है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी का जो फॉर्मेट है उसमें हारमोनियम, ढोलक, तबला और गोपी जंतर, झाल, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। और मैं अपने थिएटर ग्रुप में बैंजू का भी कहीं कहीं उपयोग करता हूँ, और बैंजू के माध्यम से ही सारंगी का की धुन को उपयोग करता हूँ अपने इस नाच ग्रुप में। लौंडा नाच को, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये थिएटर है और फोक थिएटर, जिसमें गीत संगीत नृत्य अभिनय कॉमिक कलाबाजी सबको सम्मिलित रूप से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इसका नृत्य किया जाए, जैसे मैंने कहा कि लौंडा को अगर खाली डांस करना है, अगर एक औरत डांस करे, मर्द औरत बन के डांस करे, तो उसको लौंडा डांस हम बोल सकते हैं, लौंडा नृत्य बोल सकते हैं। इसके अलावा बिहार में फोक डांस काफ़ी सारा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गीत संगीत गायकी का मिश्रण है, और ये इंडिया के हर भाग में देखेंगे कि बहुत कम ही ऐसे डांस हैं अगर उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है, जिसमें जिसको ग्रामीण समाज ने विकसित किया है, उसमें बहुत कम ही है कि गा कोई और रहा है, नाच कोई और रहा है। मैक्सिमम टाइम फोक थिएटर डांस में देखेंगे कि गाना ज़रूरी है, वो गाता भी है, डांस भी करता है। तो झिझिया वगैरह देख सकते हैं हम, उसमें किस तरीके का नृत्य है, झमटा डांस देख सकते हैं, थारू लोग करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे फोक फॉर्म है डांस के, नृत्य के, जिसमें नृत्य की प्रधानता है, जिसमें अभिनय से ज़्यादा, कथानक से ज़्यादा, कहानी से ज़्यादा, नाटक से ज़्यादा नृत्य की प्रधानता है। वो मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये दो डिवीज़न है, लौंडा डांस जो बैंड पार्टी में होता है, बैंड पार्टी के लोग आमतौर पे शादियों में दूल्हे के साथ, बराती के साथ दुल्हन के लड़की के दरवाजे पे जाते हैं और
कई बार रिकॉर्डिंग गाने या एक अलग से सिंगर माइक में गाता है, वो डांस करते हैं बैंड की आवाज़ पर। लेकिन लौंडा नाच में ऐसा नहीं है, वो शादी में भी वो परफॉर्म करने जाते हैं, तो जहाँ बारात के सारे लोग रुकते हैं वहाँ पर उनके लिए मंच बनाया जाता है, वहाँ पर उन लोगों के लिए शामियाना, टेंट, मेकअप रूम, ये सब की व्यवस्था होती है और ये अलग तरीके से परफॉर्मेंस वहाँ होता है। बैंड के लौंडा नाच से और इस लौंडा नाच में कुछ समानता यही है सिर्फ कि दोनों में पुरुष औरत बनता है, लेकिन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाच का लौंडा बनने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत होती है, परफॉर्मेंस में आपको अलग अलग चीज़ें जानने की, गायकी जानना होगा, नृत्य जानना होगा, अपने नाटकों के चरित्र के को याद करना होगा, जबकि लौंडा डांस जो है जो बैंड पार्टी में होता है उसके लिए ये सब ज़रूरत नहीं है। मतलब बाद के दिनों में, पहले नाच पार्टी लिखते थे, बाद के दिनों में ड्रामा शब्द भी इस नाच पार्टी में यूज होने लगा। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि डांस एंड ड्रामा पार्टी, मतलब हम डांस भी करेंगे ड्रामा पार्टी करेंगे, तो नाच को थोड़ा सा और डिफाइन भी किया है कई सारे ग्रुप ने, और नाच दल भी ड्रामा खेलते हैं और नृत्य करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ड्रामा शब्द का उपयोग थोड़ा सा उसको और परिष्कृत करने के हिसाब से, या पारसी थिएटर के प्रभाव से, या थोड़ा सा उसको मतलब नाच के साथ जो उसका स्टिग्मा जुड़ा हुआ, उसके जो उसके साथ जो एक तरीके का एक लोगों का एक धारणा जुड़ी हुई, उससे अलग होने के लिए कहीं ना कहीं ड्रामा शब्द का यूज किया गया होगा। और कोई एक कारण नहीं हो सकता है, मतलब एक तो यह है कि वो ड्रामा को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम ड्रामा खेलते हैं, टाइटल में ही अपने लिखते हैं, दूसरा पारसी थिएटर का प्रभाव भी इसमें देखा जा सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा शहर के और पढ़े लिखे लोगों के बीच ड्रामा शब्द बोल के अपना परिचय दें और नाच के साथ जो स्टिग्मा उससे थोड़ी दूरी बनाए, तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अलग नहीं है, दोनों ग्रुप के कई सारे लोग एक ही चीज़ करते हैं और नाच दल भी लिखते हैं और ड्रामा पार्टी भी लिखते हैं, उसमें भी यही कहानी होती है जिसके बारे में अभी मैंने आपको चर्चा किया, उसका भी थीम उसका भी जो थीम है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसके जो कथानक है वही है, कुछ गाने बदल जाते हैं, कुछ जो गाने का है मतलब इसमें देखा जाए तो एक सिलेक्टिविटी की बात तो कलाकारों के अंदर बहुत है, वो देखते हैं कि हमारे ऑडियंस में किसकी संख्या है, किस मूड के लोग हैं, क्या देखना चाहते हैं, तो शामियाने में नज़र जाती है तो दूल्हे के लिए गीत गाने का चलन है जो शादियों में है, दूल्हे के लिए जो सेहरा गाने का जो है, तो सैकड़ों गीत आपको सेहरा के गीत मिल जाएंगे, वो काफ़ी फेमस गीत है, मैं उसको गुनगुना रहा हूँ कि दुल्हा के नेग हमर होला, दुल्हा लबेला, दुल्हा के बाबूजी कहाँ बैठल बानी, पाकिट में नोट लेके महफिल में बानी, दुल्हा के नेग हमर होला, दुल्हा लबेला। तो शादी में शादियों के हिसाब के गीत ऐड किए जाते हैं, और बारात में किस तरीके का नाटक होगा, किस तरीके के लोग आए हैं, अगर बारात में दो पुलिस वाले दिख गए जो शामियाने में बैठे हैं तो दो गीत उनके लिए भी, मुखिया जी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और बारात में तो औरतें होती नहीं, वो दूर से देखती हैं तो उनके लिए भी गीत होते हैं, तो और यही त्यौहार में बदल जाता है। फिर त्यौहार में अगर मान लीजिए कि हम दशहरा में गए हैं तो दुर्गा जी के लिए कुछ गीत हुआ, उसमें औरतों की संख्या ज़्यादा होती है उस समय ऑडियंस में औरतें देखती हैं खूब, शामियाने में बैठ के एक रस्सी से घेर दिया जाता है, रस्सी के एक साइड में पुरुष और एक साइड में स्त्रियां बैठती हैं ऑडियंस में, तो औरतों के हिसाब के उनके रिप्रेजेंटेशन का, उनके विषय के नाटक खेले जाते हैं, तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि किस आयोजन में बुलाया जा रहा है, क्या वहाँ का माहौल है, उस हिसाब से लौंडा नाच सिलेक्ट करता है चीज़ों को, तो एक बहुत इसके पीछे एक कॉन्शस माइंड, एक कॉन्शस दिमाग कलाकारों का काम करता है और वो एक चुनाव करते हैं।
शायद आप देर से जुड़े हैं, पहले हमने बातचीत किया कि लौंडा नाच, लेकिन मैं फिर से उसको और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि लौंडा नाच विधा में भिखारी ठाकुर जब आए 1917 में उन्होंने अपना लौंडा नाच का ग्रुप बनाया और तब समाज में जो स्थिति थी माइग्रेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, उसको देखते हुए उन्होंने विदेशिया नाटक लिखा और विदेशिया नाटक पहली बार मुजफ्फरपुर के एक जिले में, एक गांव में उन्होंने मंचित किया और तब से आज तक 100 साल से ज़्यादा हो गए, 103 साल हो गया इस नाटक का, हजारों हजार नाटक, मतलब मैं तो कहता हूँ कि रामचंद्र मांझी और उनके साथी कलाकार जो सब लोग काम कर रहे हैं अभी भी, 50,000 से ज़्यादा शो कर चुके होंगे इस नाटक। तो भिखारी ठाकुर का एक अहम योगदान है कि उन्होंने विदेशिया नाटक जैसा एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण नाटक दिया जो आज के समय में भी, जिसका विषय बहुत गंभीर है, आज जैसे कोरोना काल में देख रहे हैं हम कि किस तरीके से मजदूरों को मार के और भगाया जा रहा है शहरों से, कोरोना काल में भगाया गया था, उनकी सैलरी नहीं दी गई थी उनको, अपने जो उन्होंने डेरा लिया था, कमरा लेकर रहते थे उनसे भगाया गया, उनके जो राशन के दुकानदार थे उन्होंने राशन देना बंद कर दिया। तो भिखारी ठाकुर की नाटक में यही सब बातें आज से 100 साल पहले उन्होंने लिखी थी और आज भी भिखारी ठाकुर का यह नाटक काफ़ी प्रासंगिक है, लौंडा नाच का यह नाटक काफ़ी प्रासंगिक है। भिखारी ठाकुर का बेटी बेचवा जो चाइल्ड मैरिज के ऊपर है, एक छोटी सी बच्ची की शादी ओल्ड बुजुर्ग आदमी से, ओल्ड एज पीपल से होती है और किस तरीके से समाज में एक प्रथा की तरह बन गई थी, उसके ऊपर है। और आज हम जैसे चाइल्ड गर्ल्स एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसमें भिखारी ठाकुर का अहम योगदान है, न सिर्फ कहानी के लेवल पर भी, बल्कि भिखारी ठाकुर ने जिस नाच विधा को, जिस लौंडा नाच विधा को अपनाया, उसने समाज को एक दिशा देने का काम किया है, एक दृष्टि देने का काम किया है। कलाकारों को, सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी प्रोफेशनल थे और कलाकारों को रोजी रोटी देते थे, सैकड़ों लोग एक साथ उनके मंडली में, रेपेटरी में काम करते थे और सबका घर नाच से चलता था। तो भिखारी ठाकुर का योगदान कथानक और समाज को सुधारक, समाज सुधारक के रूप में तो है ही, कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, कला के प्रोसेस के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, कलाकारों के उत्थान के लिए जो उनका योगदान है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लौंडा नाच के बारे में, जैसे फोक थिएटर के बारे में एक धारणा है कि अक्सर ये गांव में होता है, काफ़ी बढ़िया सवाल है ये सागर का, धारणा है कि ये गांव के ग्रामीण लोग, अनपढ़ लोग, खेती किसानी करने वाले लोग देखते हैं, वही करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये सही बात नहीं है। लौंडा नाच और इवन उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कानपुर और हाथरस की जो नौटंकियाँ हैं, वो सभी जितने ये लोग गांव में पॉपुलर थे, उससे कहीं ज़्यादा शहरों में भी इसकी डिमांड हुआ करती थी, शहरों में भी काफ़ी ये पॉपुलर फॉर्म रहा है। और एक समय तो ऐसा था कि नौटंकी की तरह ही लौंडा नाच के भी टिकट शो हो गए थे, भिखारी ठाकुर का दल, रसूल मियाँ का दल कलकत्ता में, आसाम में, झारखंड में डाल्टेनगंज जो अब झारखंड का हिस्सा है, वहाँ कलकत्ता में, वर्धमान में, कई जगहों पे, तिनसुकिया, गुवाहाटी, नेपाल में जाके तंबू लगा के, टेंट लगा के पारसी थिएटर की तरह टिकट शो करते थे। तो काफ़ी ये शहरों में भी काफ़ी पॉपुलर रहा है, जो गांव से जुड़े हुए लोग शहर में काम करते थे, माइग्रेट होकर जो काम करते, तो उनके बीच, शहरी पढ़े लिखे लोगों के बीच भी ये काफ़ी उत्सुकता से देखा गया है। राजा महाराजा के घरानों में भी, राजा जमींदारों के घराने में भी इसको काफ़ी इज्जत मिली है, लोगों ने देखा है। हथुआ महाराज के स्टेट में लौंडा नाच होता था, दरभंगा महाराज के यहाँ, बेतिया महाराज के यहाँ भिखारी ठाकुर ने और रसूल मियाँ अपनी टीम ले जाया करते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी एक पॉपुलर विधा रहा है और आज भी जहाँ भी होता है, अगर बढ़िया टीम है और अच्छे गीत संगीत नाटक प्रस्तुत कर रही है, तो आज भी देखने वालों की भीड़ काफ़ी होती है। इतने मनोरंजन के साधन होने के बावजूद, इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लौंडा नाच की अगर अच्छी प्रस्तुति हो रही है,
और हम लोग का एक अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है कि पिछले साल शादियों के समय में हमारे टीम की बुकिंग 50 से ज़्यादा थी और दशहरा में थी, दिवाली, छठ पूजा सब समय पे किया हमारी टीम ने, तो ये काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है। लौंडा नाच भी समय के साथ साथ बदला है और दोनों ही लेवल पे बदला है, कहानियों के लेवल पे भी उसने बदलाव किया है, परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी के लेवल पे भी, परफॉर्मेंस प्रोसेस के लेवल पे भी बदला है। और लौंडा नाच को एक चुनौती मिली ऑर्केस्ट्रा से, और बाई जी का जो नाच होता था ऑर्केस्ट्रा का नाच होता था लड़कियों का नाच, उससे काफ़ी चुनौती मिली और उस संदर्भ में भी लौंडा नाच ने अपने को बदलने की कोशिश की है। और पहले ऑर्केस्ट्रा या बाई जी के जो ग्रुप होते थे वो लौंडा का जो बैंड पार्टी है वो वाला काम भी वो करते थे, मतलब एक ही ग्रुप ऑर्केस्ट्रा का एक ही ग्रुप दूल्हे के साथ दरवाज़ा लगाने का काम करेगा, दूल्हे के साथ जो जुलूस निकलती है, जो प्रोसेशन कहें या दरवाज़ा लगाना कहें, वो लड़की के यहाँ पहुँचते वो करते हैं और रात में परफॉर्म भी करते हैं। लौंडा नाच ने भी ये वाला ऑप्शन चुना क्योंकि एक लोगों के मन में बात होती थी कि लौंडा नाच तो ये दरवाज़ा लगाने का काम नहीं करते हैं, खाली रात में ये लोग नाटक और गीत संगीत प्रस्तुत करते हैं, तो हमको एक लौंडा बैंड पार्टी बांध का बुकिंग करना होगा और रात में परफॉर्मेंस के लिए लौंडा नाच का अलग ग्रुप, तो दो खर्चा होगा, तो इसलिए लोग ऑर्केस्ट्रा की तरफ भी झुके और एक ही ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ये दोनों काम करता था। इधर मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि लौंडा नाच के ग्रुप भी ट्रैक्टर के ऊपर बैंड पार्टी वाला काम कर रहे हैं और रात में नाटक खेलना, नृत्य और गीत प्रस्तुत करने का भी काम कर रहे हैं। तो एक लौंडा नाच में एक नया बदलाव या विकास का है। कहानियों के लेवल पर देखें तो भिखारी ठाकुर के बाद जो समकालीन लौंडा नाच है उसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों पर छोटे छोटे नाटक, बड़े बड़े नाटक, कॉमिक सीन बने हैं जिसमें मुखिया के करप्शन के ऊपर, मुखिया के या नेताजी के जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कई सारे व्यंग होंगे, माइग्रेशन के ऊपर अलग अलग छोटे छोटे किस्से प्रसंग इसमें परफॉर्म किए जा रहे हैं। और कुछ ग्रुप तो ऐसे भी हैं, एक नया मैं चीज़ देखा हूँ, जो एक ही नाटक को साल दर साल परफॉर्म करते हैं। रामजी राम का, बजारी राम का ग्रुप छपरा जिले में एग्जिस्ट करता है, सती बिहुला का नाटक वो सालों भर करते हैं और कोई दूसरा नाटक वो नहीं करते हैं। तो ये भी एक नया मैं देख रहा हूँ कि एक नाटक भी आप अच्छा बना के और साल दर साल इस फॉर्म के साथ काम कर सकते हैं। एक और बदलाव जो ये है कि पहले की अपेक्षा काफ़ी ये कम हुआ है इनके परफॉर्मेंस, इनकी बुकिंग, इनको समाज में पहले जैसा कम अहमियत दी जा रही है। और इसका कारण है कि पहले के समय में इंटरटेनमेंट का ये सबसे मेन सोर्स हुआ करता था, सबसे अहम एक विधा था, इसको छोड़ के लोग दूसरा विधा उनके पास नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, सिनेमा नहीं था, रेडियो नहीं था, तो इस विधा को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। अब के समय में इन सारे माध्यमों के आ जाने के कारण, उसके साथ साथ ये जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, इसके आ जाने के कारण लौंडा नाच के परफॉर्मेंस काफ़ी कम हुए हैं। और इस बदलाव के चलते, इस समय और समाज के बदलाव के चलते काफ़ी इस विधा को लोग छोड़ रहे हैं, पहले की तरह नहीं करना चाहते हैं। दूसरा स्थिति इसके साथ एक स्टिग्मा भी जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि लौंडा एक गाली का शब्द है, उस विधा के साथ जुड़ा हुआ है और लोगों ने इसको डिफेम करने की भी कोशिश की है, इसके कलाकारों को अपमानित करने की कोशिश की है, तो इसकी वजह से भी एक बदलाव देखने को मिला है कि अब लोग इस विधा से थोड़ी दूरी बना रहे हैं। तो इस तरीके के बदलाव है। अब अन्य से आपका मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि अन्य का मतलब क्या है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि लौंडा नाच कई एक फोक थिएटर है, इसमें कई सारी चीज़ें सम्मिलित रूप से क्रम में परफॉर्म की जाती है,
जिसमें गीत संगीत म्यूजिकल परफॉर्मेंस गीत संगीत नृत्य नाटक कॉमिक कलाबाजी ये सब लंदन आर्ट में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन आप इसके अलावा अन्य से आपका क्या मतलब है मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो एक लंदन आर्ट एक कंपोजिट एक कम्बाइंड एक टोटल थिएटर जैसा है जिसमें जो हमारा इंडियन एस्थेटिक्स है किसी भी परफॉर्मेंस देखने का कि कहानी के साथ थोड़ा गीत संगीत होना चाहिए थोड़ा थोड़ा एक्शन होना चाहिए थोड़ा नृत्य होना चाहिए। और जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं उस फिल्मों ने उस भारतीय एस्थेटिक्स को आगे बढ़ाया उसी तरीके की फिल्में बनी। हाँ लंदन आर्ट में भी इस एस्थेटिक्स को फॉलो किया जाता है। अभी भी जो भी लंदन आर्ट होता है उसमें रात भर खाली एक नाटक नहीं खेल सकते आप रात भर खाली आप नृत्य नहीं कर सकते आप बल्कि इस विधा में अगर आपको काम करना है तो ये सारी चीज़ों को का परफॉर्मेंस करना होगा। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आप अपने लोक संस्कृति को आप अपने ग्रामीण संस्कृति को कैसे देखते हैं आप अपने बुज़ुर्गों के अपने बाप दादा के की विरासत को कैसे देखते हैं। अगर उनके चीज़ों को देखने में उनके किए हुए चीज़ों को देखने में उनके किए हुए चीज़ों में थोड़ी भी आपको लगता है कि ये रिस्पेक्ट की चीज़ है कि देखना चाहिए करना चाहिए तो इस हिसाब से आपको भी या किसी को भी अपने फोक थिएटर में या फोक म्यूजिक डांस या खेतीबाड़ी ही ले लें खेतीबाड़ी जो हो रहा है उसमें भी इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप अलग हैं ग्रामीण समाज अलग है मेरा वो काम नहीं उन्होंने जो किया अपने लिए किया या उसका रिस्पेक्ट नहीं है उनकी खेतीबाड़ी का रिस्पेक्ट करेंगे तो उनकी कला का रिस्पेक्ट करना होगा उनके कला का रिस्पेक्ट करें तो उनकी खेतीबाड़ी उनके पेशे का रिस्पेक्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने समाज में जो जो पुराने लोग हैं पुरानी पीढ़ी है उनको उनके चीज़ों के प्रति इज्जत है अगर मन में तो इस तरह की विधाओं पे काम करने के लिए आप इंस्पायर होते हैं आपको लगता है कि नहीं ये जो बाप दादा की चीज़ है ये हमारी विरासत की चीज़ है वो हमारे लिए काम की चीज़ है हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं तब जाके आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे जानना शुरू करेंगे लोगों से बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पे एक समय में ये जन्म लिया हुआ होता है तो उस समय के कई सारे अच्छाइयों और बुराइयों को भी अपने अंदर समेटे हुए होता है। तो एक कलाकार एक रिसर्चर एक आर्टिस्ट के रूप में आपका एक फ़र्ज है कि अगर उसको आप उसको उस विधा से इंस्पायर हैं तो उसके उसको अपने हिसाब से आज के समाज के हिसाब से समाज को सुंदर बनाने के लिए उसमें अगर लगता है कि कुछ बदलाव करना चाहिए तो बिल्कुल करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक चीज़ मैं अपने तरीके से अपने तरफ से कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इस सेशन को यहाँ ख़त्म करना चाहिए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कोकोनट थिएटर के इस लोक कला के संग सीजन टू है लोक कला के संग उसमें कोकोनट थिएटर ने लंदन नाच पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया और मैंने अपनी बातचीत आपसे शेयर किया आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे मुझसे। तो कोकोनट थिएटर और टिकट निंजा ये दोनों लोगों ने ये आयोजित किया है तो दोनों ग्रुप से जुड़े जितने भी मेंबर हैं सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ थैंक यू बोलता हूँ। बिल्कुल लंदन आर्ट में गीत संगीत नृत्य वाले लोगों की ही ज़रूरत है लाइव म्यूजिक ही इसमें चाहिए इसमें रिकॉर्डेड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं होती रिकॉर्डेड म्यूजिक से ये नहीं होता है लाइव म्यूजिशियन वहाँ बैठ के सजिंदे बजाते हैं और अभिनेता जो गायक होता है वो गाता है गायकी में जो संवाद होता है गायकी में बोलता है और जो ऐसे बिना गायकी में सामान्यतः संवाद बोले जाते हैं वैसे बोलना होता है तो वैसे बोलता है। तो ये कुल मिलाकर एक लाइव परफॉर्मेंस है जिसमें गीत संगीत नृत्य की बहुत अहमियत है। तो इसके साथ ही आप सबको टिकट निंजा और कोकोनट थिएटर के सब लोगों को धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े इस लाइव सेशन से उन सबका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा।